सलाम वालेकुम। इस टाइम वक्त हुए हैं 2:15 बजे और ये रात के 2:15 नहीं हुए। यार आप तो पहले ही मुझे घूरने लग जाते हो। घूरना बंद करो, जो मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मुझे घुराना करो। अच्छा तो मैं आपको बता रहा था कि इस वक्त हुए हैं 2:15 बजे और ये दिन के 2:15 या रात के 2:15 ना समझना। जैसा कि हमने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अपनी रूटीन ठीक करेंगे, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 1:30 बजे जाग गए हैं। मैं जाग गया था, ठीक है। बेगम मेरी बेचारी सो रही थी, फिर मैंने उठते साथ ही सबसे ज़रूरी काम, सबसे ज़्यादा सवाब का काम किया, अपनी बेगम को तंग कर करके उठाया। उनकी नींद टूटी तो मुझे मज़ा आ गया। अब हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी रूटीन आहिस्ता आहिस्ता और बेहतर कर लें और ठीक करते जाएं। जो कि मैंने बेगम को तंग करके जगा दिया था, तो यू कैन नेवर अंडर एस्टिमेट द शक्तियाँ ऑफ ए बेगम। तो उन्होंने मुझे उठते साथ ही कहा कि जाके बेकिंग 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 सोडा था, बेकिंग पाउडर ला दो और दही और दूध और फलाना फलानी चीज़ें ला दो। अच्छा पहले तो मुझे एक बच्चा नजर आया जिसकी मैंने वीडियो बना ली, तो ये अगर आपको समझ आ रही हो क्या कह रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा वैसे तो मुझे बेगम ने बता के भेजा था कि बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर लेना है। अब ये पता नहीं दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं या एक ही होती हैं, पर दुकान पे जाके मैं फिर भूल चुका था। तो मैंने उसे कहा कि बेकिंग सोडा देते हैं, फिर मुझे याद आया, मैंने कहा नहीं, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर चाहिए मुझे। तो अच्छा अब व्लॉगर्स जो हैं वो पता नहीं किस तरह कैमरा रख लेते हैं। इस तरह मैंने भी आई ट्राई किया कि जाते हुए अपना एक व्लॉग बनाऊंगा, पर मुझे दुकानदार ऐसे देख रहे थे जैसे मैं उनकी दुकान में पता नहीं डाका डाल लूँगा, और अगर उनकी दुकान में खुदा ना खास तो कोई इस तरह की बात हो जाती है तो वो सबसे पहले आके मुझे ही पकड़ेंगे कि ये बंदा वीडियो बना रहा था। खैर मैंने बड़ी छुपा छुपा के वैसे तो कोशिश की थी, पर फिर भी पर वो मेरे कैमरे की तरफ ही देखी जा रहा था। खैर ये मैं बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर लेके निकल आया हूँ, अब हम लेने जाएंगे दही और दूध। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचे थे काले चोर ले गए। अच्छा तो दही दूध लेने जा रहे हैं मैं। ये मुझे बचपन की एक बचपन की नहीं है, मेरे भतीजे भतीजियों के बचपन की पोइम जो है वो सुनते होते हैं, तो मेरे जहन में आज सुबह से ये घूम रही है। मैं जाते हुए मुझे गुनगुना रहा था। खैर ये हम दही दूध की दुकान पे आ चुके हैं। ये भाई साहब दुकान को ही छोड़ कर मुँह से खाने निकले हुए थे। अरे वाह कितना सिक्योर है मेरा प्यारा पाकिस्तान। अच्छा ये भाई कान में हेडफोन लगाए इस तरह मुझे घूर रहे थे जैसे, हालांकि खुद ये किसी एजेंट से कम नहीं लग रहे थे, पर मेरे कैमरे की तरफ इन्होंने पूरी नज़र रखी हुई थी। खैर मैंने एक हाथ से अपनी व्लॉगिंग कर रहा था, दूसरे हाथ से पैसे जैसे तैसे करके निकाल ही लिए बड़ी मुश्किलों के बाद। इधर वापसी पर मेरे साथ एक और अनयूजुअल सी एक्टिविटी हुई, वो ये कि एक छोटा सा बच्चा अपनी छोटी सी साइकिल पे एक स्टिक लिए पता नहीं कौन सा करेक्टर प्ले कर रहा था, तो उसने मेरे साथ कुछ मुझे कहा तो मैंने उसी तरह चूंकि तरह उसे जवाब दिया, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया कैमरे पर। खैर दुआओं में याद रखिएगा, जल्द ही मिलेंगे इसी चैनल पर किसी भी टाइम किसी भी वक्त एक अच्छे कॉन्टेंट के साथ। अल्लाह नहीं।